दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को एक खतरनाक तेज गेंदबाज मानते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। सबसे तेज गेंद डालकर रच दिया इतिहास, जिसे कोई भी गेंदबाज कभी तोड़ नहीं पाएगा। तो आखिरकार कितनी तेज गेंद डाल दिया उमरान ने, जहाँ तक पहुँचना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। दिखाएंगे रफ्तार के सौदागर की सबसे तेज गेंद का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, शोएब अख्तर और जसप्रीत बुमराह में ऐसे खतरनाक तेज गेंदबाज कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी तेज गेंदबाजी का नाम सामने आता है तो उसमें शोएब अख्तर, ब्रैटली जैसे गेंदबाजों का नाम लिया जाता है। अब इन्हीं महान गेंदबाजों में एक नाम और जुड़ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि भारत के ही जम्मू के रहने वाले उमरान मलिक का है। इस गेंदबाज ने महज 23 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिया है जिसे कोई भी गेंदबाज अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां से क्रिकेटर बहुत मुश्किल से ही निकल पाते हैं। टेनिस बॉल से अपने क्रिकेट की शुरुआत करने वाले उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में ऐसे कारनामे कर दिया है जिसके बाद आज पूरा भारत वर्ष दिल से उन्हें सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि बेहद ही करीबी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मुकाबले में 2 रन से एक मैच एक रोमांचक मार दी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा उमरान मलिक का, जिनकी तेज रफ्तार के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आसानी से घुटने टेकते हुए नजर आए। और इसी मुकाबले में उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया जैसा आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर पाया है। जी हाँ, आपको बता दें, उमरान मलिक ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी भी इसी मुकाबले में की है। अपने 4 ओवर के कोटे में उन्होंने केवल 27 रन ही दिए और 2 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। लेकिन उन्होंने इतिहास बनाया पारी के 17वें ओवर में, जब मैच पूरे तरीके से फंस चुका था। तब कप्तान हार्दिक पांड्या ने उमरान मलिक पर भरोसा दिखाया। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही उमरान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, और अब उन्हीं की कप्तानी में उन्होंने इतिहास रच दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए उमरान मलिक ने चौथी गेंद पर श्रीलंका के कप्तान दासु निशंका को एक ऐसी गेंद डाल दी जिस पर ये बल्लेबाज डरकर अपना विकेट दे बैठा। वो गेंद 155 से भी ज्यादा गति की थी। बता दें, ऐसा करने वाले उमरान मलिक भारत के इकलौते गेंदबाज बन गए। उनसे पहले आज तक ऐसा कारनामा कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया है। उनसे पहले इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने लगभग 153 और 154 की गति से गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन उमरान मलिक ने इन सारे ही गेंदबाजों के रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब इस युवा गेंदबाज की नजरें महान गेंदबाज शोएब अख्तर और ब्रैटली के सबसे तेज गेंद के रिकॉर्ड पर है, और जल्दी उमरान मलिक उस महारिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। आपको बता दें, IPL में उमरान ने 157 से भी ज्यादा की गति से गेंदबाजी की थी, और साल 2022 में IPL में वो दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उमरान मलिक आने वाले समय में शोएब अख्तर और ब्रैटली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।